हुई 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए क्या खास होगा, सबकी निगाहें इस बात पर भी लगी हुई हैं। 2016 में सरकार की ओर से सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई अहम कदम उठाए गए। आने वाले बजट में भी सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ कई रक्षा करारों के लिए भी धन की जरूरत होगी। एक फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो सबकी निगाहें इस बात पर भी होंगी कि आखिर रक्षा क्षेत्र के हिस्से में क्या आया। तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ ही जरूरी साजो सामान के लिए रक्षा मंत्रालय के बजट में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। पिछले 3 सालों की बात की जाए तो रक्षा बजट में करीब हर साल 10% की वृद्धि की गई है। 2016 के रक्षा बजट में 2,58,00,000,00,000 का आवंटन किया गया था। 2017 की बात करें तो रक्षा सौदों के लिए राफेल विमान समेत रक्षा मंत्रालय के कई अहम महत्वपूर्ण सौदों के लिए करीब 1,50,00,000,00,000 रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी। अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए सरकार का ध्यान अब रक्षा निर्माण क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि देश में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सरकार की ओर से सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है और पिछले करीब 1 दशक के दौरान हुई देरी की भरपाई कर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नवंबर 2016 में रक्षा मंत्रालय की ओर से सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए करीब 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के साजो सामान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 83 तेजस Mk 1A का ऑर्डर दिया गया, जिन पर करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा करीब 13,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले 464 T-90 टैंक और 1,100 करोड़ की कीमत के 598 Mini UAV की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यदि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण व सैन्य उपकरणों की खरीद पर नजर डाली जाए तो वायुसेना का खर्च सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसे बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के अलावा अन्य विमानों की भी जरूरत है। 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा इस मामले में काफी अहम है। इसके साथ ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का सौदा $3 बिलियन में बोइंग और अमेरिकी सरकार के साथ हुआ है। इन हेलीकॉप्टर के वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की मारक क्षमता के साथ ही परिचालन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। जब वायुसेना के विमानों की संख्या बढ़ेगी तभी पाकिस्तान व चीन की सीमा पर विमानों की तैनाती बढ़ाई जा सकेगी। थल सेना की जरूरतों की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसके तोपखाने को मजबूती प्रदान की जानी है। इसके लिए अमेरिका से 5,000 करोड़ रुपए के 145M777 हल्के होविट्ज़र तोपों की खरीद का करार हो चुका है। इसके साथ ही थल सेना का हेलीकॉप्टर बेड़ा मजबूत किया जाना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में टैंकों, असाल्ट राइफलों, स्नो स्कूटर, सुरंगरोधी वाहनों, बुलेट प्रूफ जैकेटों, रॉकेट लॉन्चरों व नाइट विजन चश्मे की जरूरत है। इनकी खरीदारी का खर्च 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। इसी तरह नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 8,500 करोड़ रुपए में 8 P-8I TOW विमान खरीदने का सौदा पहले हो चुका है। इसके अलावा 49 युद्ध पोतों को तैयार किए जाने का आदेश विभिन्न शिपयार्ड के पास है। सरकार की ओर से सेना के तीनों अंगों को आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से लैस करने की आवश्यकता को समझा है और इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए हैं। भारत सबसे बड़ा रक्षा सामग्री का खरीदार है। 70% आपूर्ति विदेशी उपकरणों से होती है। विश्व में हथियारों की खरीद में भारत की हिस्सेदारी अकेले 14% की है, जो चीन एवं पाकिस्तान की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है जितना समर्थन उनकी जरूरतों को मिला है वो आगे भी जारी रहेगा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बजट में वाजिब प्रावधान करेगी। सुधीर यादव, TT News, दिल्ली।